सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करेंगे वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, जो कि 2023 का सैमसंग का पहला डिवाइस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सैमसंग के डिवाइस में पबजी और BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाई डिफॉल्ट पबजी और BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों, हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें सैमसंग की न्यू चिपसेट एक्जीनोस 1330 की 5G चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। उसी के साथ दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ हमें इस डिवाइस में 15W की नॉर्मल चार्जिंग का स्पॉट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इनबॉक्स हमें कोई भी अडाप्टर देखने के लिए नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जात से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। उसी के साथ दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस प्राइस रेंज के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में हमें इस डिवाइस में बाय डिफॉल्ट अल्ट्रा यानी कि 40fps गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अभी तक हमें इस डिवाइस में कोई भी स्मूथ में 60 या 90fps ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के साथ हमें इस डिवाइस में ग्राफिक्स में कुछ इम्प्रूव देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस अल्ट्रा में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। I got supplies.
Watch out!